हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम सीजीएल प्री 2022 के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और 2 दिसंबर 2022 को जो थर्ड चैप्टर में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए सीजीएल सीएचएसएल 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर सीएचएसएल के लिए तो ये मानिए रामबाण है, क्योंकि अभी आपका सीएचएसएल का प्री का एग्जाम होना है और उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे ये लेक्चर्स। ठीक है, कहीं ना कहीं यही जो पैटर्न है आपका एग्जाम का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमेशा की तरह बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे इस सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ेंगे कि आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर ढंग से और अच्छे कंटेंट के साथ लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2 दिसंबर 2022 को थर्ड चैप्टर का ये पेपर है सीजीएल प्री 2022 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, अगर रेशियो दे रखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स किसी ट्रायंगल का वो √3:√2 है, तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया, इनका स्क्वायर कर दो। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3:2 होगा। ऑप्शन 1 आंसर था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द प्राइस प्रिंटेड ऑन ए बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं टीपी को देखिए, 15% का मतलब होता है मेरा 3/20। ठीक है, अगर मैं सीपी को 20 मान लेता हूं तो उस पर जो मार्क प्रिंट किया था वो था 23। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दी प्राइस प्रिंटेड ऑन ए बुक इज 942। ठीक है, देन दी कॉस्ट ऑफ पेपर, देखिए कॉस्ट ऑफ पेपर कहाँ है, यहाँ आपका पेपर कॉस्ट 15% गिवन है। कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर ए सिंगल कॉपी इन रुपीज इज कितना है, तो देखिए भाई मेरे को पता है जो टोटल 942 है ये किसकी वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है और मेरा जो कॉस्ट ऑफ पेपर है वो कितना है, 15%। ठीक है, 15%। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है, ये जो एमआरपी है ये 23, देखिए ये एमपी की तो वैल्यू है। ठीक है, ये तो मेरा पाई चार्ट के हिसाब से हो गया। अब मैं अपने इसके हिसाब से देखता हूँ जो मुझे पूछा है। देखिए आपको एमआरपी गिवन है कितना, 23, हमारे हिसाब से सवाल के हिसाब से इतना है, तो मैं 23 की वैल्यू गिवन है और मुझे निकालनी किसकी है, ये कॉस्ट इसकी एक उसकी, तो यानी कि 20 की वैल्यू मुझे निकालनी है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 × 5 = 100, 5 से कटेगा 3 बार। ठीक है, और 3 से गुना करिए, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27 और 1 = 28 भाग में 23। ठीक है, 23 × 1 = 23 बचे 5 और 52 बन गया, तो 23 × 2 = 46 बचा 6 = 66 और आपका 23 × 3 = 69 ज्यादा हो जाएगा, 23 × 2 = 40, 122 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर होगा मेरा 122.9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 100 मीटर के रेस में ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। देखिए एक 100 मीटर की रेस है, ठीक है, तो इसने ए ने बी को 20 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तीनों को लेता हूं, बी सी को भी हरा रहा है, तो तीनों को मैं लेता हूं ए बी और सी, अगर ए ने बी को 20 मीटर से हराया तो इसका मतलब ए 100 चला है, वो 20 कम चला है यानी कि 80 चला है, और सेम बी बीट सी बाई 20 मीटर, इसका मतलब ये बी सी चला है, तो सी कितना चला है, 80। ठीक है, अब आप इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक, देखिए ध्यान से समझेंगे तो 20 × 5 = 100 और 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100 और 20 × 4 = 80, तो इनका इक्विवेलेंट रेशियो आएगा 5 × 5 = 25 = 4 × 5 = 20 = 4 × 16। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, बाई हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, ए सी इतना चला है, ए इतना चला है, कितने से हराया है मुझे बताइए भाई, 9 से हराया है। ठीक है, 9 से हराया है, 9 से हराया है और किसने हराया है, ए ने, तो यानी कि 25, और कितने मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में, तो 25 × 4 = 100, 9 × 4 = 36 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 1 man और 2 women और 4 boys और 5 girls कैन फिनिश ए वर्क इन 39 days। देखिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है इसके ऊपर, देन हाउ मैनी
डेज विल वन मैन वन वुमेन वन बॉय एंड वन गर्ल टूगेदर टेक टू फिनिश दी सेम वर्क। देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं डायरेक्ट, आप पेपर में डायरेक्ट कैसे करेंगे। जो चीज यहाँ पूछी है ना, वन पूछा है तो वन लिखिए। देखिए वन मैन है और यहाँ पहले वन मैन कितना था, वन ही था, तो वन के अपॉन में वन लिखिए, ठीक है, प्लस में। यहाँ कितना वन वुमेन जो पूछा है वो लिखिए, और जो शुरुआत में था वुमेन यानी कि कितनी थी टू वुमेन, तो दो लिखिए प्लस में। यहाँ तीसरा बॉय कितना था, वन। यहाँ बॉय कितने थे, फोर, फोर प्लस में। यहाँ गर्ल कितनी थी, वन। यहाँ गर्ल कितनी थी, फाइव, ठीक है। और ये सब मिलके कह रहा है कितने दिनों में करेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन थे आपको वो गिवन थे 39। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपका आएगा 20, ठीक है, 20। तो यहाँ आएगा 20 प्लस में 10 प्लस में 4 पंजे 20 प्लस में 5 चौक 20 30 35 39। तो हमारा बनेगा 39 डी बराबर 39 गुना में 20 उधर चला जाएगा, तो 39 से 39 कट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 20। देखिए कितनी आसानी से आपने आंसर निकाल लिया, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ। देखिए जब भी क्वार्टर और टेन में हो तो आपको पता होना चाहिए जो जिन एंगल्स का सम 90 हो जाएगा वो 1 बन जाएगा। तो 15 और 75 1 बन गया, 25 और 65 1 बन गया, कोट 45 का 1 ही होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू। एक ट्रायंगल है जो कि क्यू पर राइट एंगल है, मैं बना देता हूं पी क्यू और आर, और क्यू पर राइट एंगल है। आपको गिवन है कॉट पी बराबर रूट थ्री। अब देखिए इसकी भी जरूरत नहीं थी, आप मुझे बताइए कॉट पी आपको रूट थ्री के बराबर गिवन है। कॉट पी यानी कि कॉट रूट थ्री कितने पर होता है, पी कॉट में रूट थ्री कितने पर होता है, 30 पर। तो मैं कह सकता हूँ कि पी की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ चुकी है। आपसे पूछा है साइन पी, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 1564। अगर मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ x माइनस वाई, ये गिवन है मुझे 1564, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग द लार्ज नंबर बाय ए स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज द क्वोशेंट एंड 19 एज द रिमाइंडर। देखिए अगर मैं भाई जिसमें से बड़े में से हम छोटे ही घटाएंगे तभी तो आएगा ये, तो कह रहा है बड़े नंबर को अगर छोटे नंबर से भाग दिया जाता है तो क्वोशेंट तो आपका 6 आता है और रिमाइंडर बचता है आपका 19। अब मेरे को पता है रिमाइंडर थ्योरम से कि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में दिस बराबर इसके होता है, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 6y और प्लस में 19 बराबर x। तो मैं 6y को इधर ले जाता हूं तो मेरा बनेगा x माइनस में 6y बराबर 19। अब मैं दोनों इक्वेशंस को इधर लिख देता हूं, देखिए आपके लिए x माइनस y बराबर तो 1564 गिवन था, और x माइनस में 6y बराबर आया है मेरा 19, ठीक है। अब एक काम करिए आप कि इस इक्वेशन में से इसको घटाइए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं, इसको 2 नाम देता हूं, तो 1 में से आप 2 को घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना बनेगा, देखिए आपका 1 से तो 1 कट जाएगा, ये x से तो x कट जाएगा ये वाला, ठीक है, घटाएंगे तो, और माइनस वाई में से प्लस वाई जाएगा, तो यानी कि प्लस का 4y बचेगा, सॉरी माइनस का 5y, ठीक है भाई, एक में से 6 जाएगा तो यानी प्लस का 5y बराबर। देखिए आपका 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया तो 4 और 15, तो y की वैल्यू कितनी आएगी। आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, यानी कि y की वैल्यू ही पूछी थी आपसे, तो 5 या 15 ना जाने की 0 और 5 9 45, 309 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। देखिए कितना आसान, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत बता चुका हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 6 और इसी का होल स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए यानी कि 11 का 3 टाइम्स 33, 36 में 3 गए, 36 में 33 गए 3, 3 छिंग 18 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरा अलजबरा वाले जो फॉर्मूला लेक्चर है वो भी मैंने डाल रखा है, और पिछले मैंने अलजबरा के क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत सारे, उसमें डिटेल में बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी लेंथ ऑफ दी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी इज 15। देखिए अगर मैं एक
सर्कल बना लेता हूँ और कह रहा है किसी पॉइंट से इसका टेंजेंट गिवन है कितना, किसी पॉइंट से टेंजेंट गिवन है 15, ठीक है। और क्या कह रहा है, पॉइंट पी 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर मैं इसका सेंटर यहां मानता हूं कहीं, तो कह रहा है ये 17 सेंटीमीटर अवे है, तो मुझे पता है 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो इसने रेडियस पूछी होगी, ठीक है, वही पूछा है। तो देखिए क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये 17 है तो 8 15 17, भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस हो जाएगी 8, ऑप्शन 3। बस इजी से क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए भाई, जो इन सर्कल की रेडियस होती है वो होती है हमारी ए अपॉन में 2√3, ठीक है। साइड है आपकी 24 अपॉन में 2√3, ठीक है, तो 2 से कटेगा ये 12, बार तो 12 को आप लिख सकते हो 3 गुना में 4 अपॉन में √3, ये कटेगा √3 टाइम्स, तो आंसर होगा आपका 4√3, ठीक है, ये आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 टाइम्स दी हाइट, हाइट इफ दी हाइट ऑफ दी सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 3.5, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 5 टाइम्स, 5 5 25, 5 15 और 2 17.5, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है आपका, ये होता है पाई, पाई पाई का मान 22/7 ले लीजिए, पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 17.5 × 17.5 × आपका हाइट, यानी कि 3.5। अब आप देखिए, आपको या तो आप इसको सॉल्व करिए गुना करके, या फिर मेरे को एक चीज बताइए कि इसमें आपका 11 आ रहा है, 11 कहीं भी कट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। मैं ऑप्शंस चेक करता हूँ, 3 और 2 5 और 2 7, क्योंकि पॉइंट सब में 2 के बाद है, तो पूरा पूरा भाग गया है 2 पॉइंट के बाद, 3 और 2 6, 6 और 2 8, और यहाँ 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 8 का डिफरेंस 6 है, नहीं है 11 का मल्टीपल, 3 और 4 7, 7 और 7 14, और 6 और 1 7, 7 5 12, डिफरेंस 2 है, नहीं है 11 का मल्टीपल, 3 और 7 10, 10 7 17, 8 और 2 10, 10 5 15, डिफरेंस 2 नहीं है, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 3 और 8 11 और 5 16, डिफरेंस 0 है, एक ही ऑप्शन था बस, आप या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, कह रहा है दी विनर बाई ऑब्टेनिंग 68% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कॉन्टेस्टेंट बाई 2880 वोट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन, ठीक है। अगर मैं टोटल वोट्स 100 मान लेता हूं, ठीक है, कह रहा है 12% वोटर्स ने वोट नहीं डाले, ठीक है, द विनर ऑब्टेनिंग 68% ऑफ द टोटल वोट्स, इन टोटल वोट्स का 68 तो इसने प्राप्त कर लिए, किसने, विनर ने, ठीक है, विनर ने, तो लूजर ने किसने प्राप्त किए, आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई 12% ने वोट डाले नहीं थे 100 में से, तो इसका मतलब डाले कितने ने थे, 88 ने, ठीक है, 88 ने डाले थे, 88 में से 68 इसका इसके पास चले गए, तो इसके पास लूजर के पास कितने बचे, 20। अब कह रहा है, अब मुझे बताइए विनर ने लूजर को कितने से हराया है, भाई हमारे हिसाब से तो 68 में से 20 गए तो 48 से हराया है, ठीक है, और सवाल तो कह रहा है कि 2880 से हराया है, तो मतलब 48 की वैल्यू 2880 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, काट लीजिए इसको, पहले 24 से काट लीजिए, 24 दूनी 48, और 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 0 और 2 की यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, ठीक। आपसे पूछा है द नंबर ऑफ द वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, भाई 100 में से 88 ने तो डाले ही नहीं थे, केवल 20 ने ही वोट डाले थे, वो केवल 88 ने डाले थे, 12% ने डाले नहीं थे, तो इसका मतलब मेरे को 88 की वैल्यू निकालनी है, तो गुना कर दीजिए 88 गुना में 60, 0 6 48, 4 6 48 और 4 52, 5280 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 36 है, ब्रेड 18 है, हाइट 9 है, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है क्यूब में, कह रहा है क्यूब का डायगनल बता दीजिए। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है भाई, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, 36 गुना में 18 इंटू में 9, ये गिवन है मुझे, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए कितनी आ जाएगी, आप एक काम करिए इसमें से 6 ले लीजिए, इसको 6 गुना में 3 लिख लीजिए, तो 9 3 27 और 216 यानी 6 गुना में 3 ए आ जाएगी मेरी 18। ठीक है, और मेरे से पूछा है डायगनल, डायगनल क्या होता है आपका, √3a। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 18 √3, ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डिलीवरी पार्टनर्स दैट ज्वाइंट पिंत्रा फ्रॉम 2017 से 21। देखिए पिंत्रा आपका ये रहा, और 2017 से यानी कि 56, 5.6 से 2021 यानी कि 7.2, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है आपका, 1.6 का, वही प्लस 1.6 का ही तो हुआ है, 56 और 16 72 होंगे, तो यानी कि 1.6 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पर, 5.6 पर, तो 100 पर, कितना पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो आपका बनेगा, 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 14 चौका 56, ये कटेगा 7 बार, 2 से ये कटेगा 2 बार, तो 200 अपॉन में 7 कितना बनेगा, 7 दूनी 14, बचे 6 और 60 बन गया, 7 8 56 और 28 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में 28.57%। ठीक है, ये आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए सेम पैटर्न के ऊपर, सेम फॉर्मूला के ऊपर कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको पता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2, और नीचे लिखा हुआ है ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2, तो ये कट जाएगा, केवल ए प्लस बी बचेगा, ए है 762 और बी है 316, दोनों को जोड़ दीजिए, 62 और 16 हो जाएगा आपका 78, और 7 और 3 10 यानी 1078 आपका आंसर आएगा, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीजेज बाई 65% व्हेन इट पासिस थ्रू 3 हैंड्स। ठीक है, इफ द फर्स्ट हैंड एट द सेकंड हैंड सेकंड सेलर्स मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द थर्ड सेलर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपको गिवन है, मैं मान लेता हूं पहला सेलर, दूसरा सेलर और तीसरा सेलर, पहले ने 20% का प्रॉफिट प्राप्त किया है, इसका मतलब 5 की वस्तु उसने 6 में बेची है, भाई 20% 1/5, और दूसरे ने 4 की वस्तु 5 में बेची है, 25% का प्रॉफिट प्राप्त किया, और तीसरे का मुझे निकालना है, मैं मान लेता हूं ए की वस्तु बी में बेची है, मैं इनको मान लेता हूं, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है मुझे 65% का होगा, 65% होता है आपका 13/20, तो मैं कह सकता हूं कि 20 की वस्तु 33 में बेची है, यही है बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, इनको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्रॉस में कट जाते हैं, आपको पता होना चाहिए 2 बार कटेगा और 3 बार कटेगा, तो मेरा 2a/3b बराबर टोटल मुझे गिवन है 20/33। ठीक है, ठीक है, और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो मुझे बताइए, 2 से कटेगा 10 बार और 3 से कटेगा 11 बार, तो मेरा a:b आ चुका है 10:11। ठीक है, अब मुझे बताइए 10 की चीज को 11 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का, कितने पर, इस 10 पर, भाई 1 का प्रॉफिट इस 10 पर ही तो हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉफिट होगा, जो थर्ड का तीसरे वाले का प्रॉफिट होगा, वो 1 का प्रॉफिट 10 के ऊपर 1/10 होता है आपका, 10%, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा भाई, 5 × 6/2 टू दी फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दी 6 8 9, तो 9 × 8/6 यानी लास्ट के 2 का गुना पहले वाले का भाग, लास्ट के 2 का गुना पहले वाले का भाग। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका कितना बन जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार, ठीक है, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, तो आंसर आएगा आपका 5:4। ठीक है, ऑप्शन 4, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल्स 1/x किलोमीटर पर आवर ऑन ए जर्नी एंड रिटर्न्स एट 1/x² किलोमीटर पर आवर देन हिज एवरेज स्पीड फॉर दी जर्नी, तो आपको पता होना चाहिए 2xy/x+y होता है, तो यानी कि 2 × 1/x × 1/x² / इनका सम, यानी 1/x + 1/x² यही बनेगा। ठीक है, तो
तो अगर इसका नीचे तो ऊपर बनेगा, देखिए अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ एक्स स्क्वेयर, तो बनेगा मेरा कितना एक्स प्लस वन, ठीक है बिल्कुल। तो ये बन जाएगा मेरा 2 अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक, और ये ऊपर जाके एक्स स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा एक्स प्लस में वन, ठीक ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका एक्स स्क्वेयर से तो ये आपका एक्स क्यूब कट जाएगा, वन बचेगा और बनेगा हमारा 2 अपॉन में, इनके गुना करिए एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर, ये मेरा आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको गिवन है के, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, के की पावर 4 अपॉन में प्लस में 1 अपॉन में के की पावर 4 194, मेरे को के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब निकालनी है, तो मुझे पहले के प्लस 1 अपॉन के निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता चुका हूँ हाफ पावर पर जाना है आपको, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 2 जोड़ेंगे 196 का अंडर रूट 14 होता है, फिर आपको हाफ पावर पे जाना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, ठीक है। अगर आपको के क्यूब, अब आप के क्यूब प्लस में 1 अपॉन में के क्यूब निकालनी है, तो क्या बनेगा आपका 4 के क्यूब 64 माइनस में इसका 3 गुना घटा दीजिए 12 है, आंसर होगा आपका 52, ठीक है ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एचसीएफ बताना है इन 2 नंबर्स का, अगर 2 का एचसीएफ बताना है तो इनका डिफरेंस लीजिए, 10 में से 1 गया तो 9, 13 में से 13 में से 9 गए तो 4, और 19 में से 3 गए तो 1649, ठीक है। अब आप देखिए ये 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं क्योंकि यहाँ इवन नंबर ओड नंबर है, ठीक है। अब मैं 21 का अगर चेक करता हूँ तो ये 3 गुना में 7 होता है, ठीक है। 3 से देखिए 9 4 13 और 6 19 और 1 20, यूनिट डिजिट आपका 20 आ रहा है, जो कि यहाँ 3 से भाग नहीं जा रहा, 1 ही ऑप्शन बचा 17, आप चेक कर सकते हैं भाग चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ डेबिट ऑफ 5664 रुपए इन 4 ईयर्स एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप देखिए आपकी लास्ट की किस्त जो जाएगी उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा 12%, तो वो तो रहेगा आपका 100 का, ठीक है। और जो उससे पहली जाएगी तीसरी किस्त उस पर लगेगा कितना 12 या 36 का, तो आपका हो जाएगा कितना 136, ठीक है। उससे पिछले वाली जाएगी उसमें 2 साल का लगेगा यानी 124, 12 दून 24% हो जाएगा, और उससे पहली जाएगी उस पर 1 साल का लगेगा यानी कि 112, कितना हो चुका है आपका भाई 12 और 36 दून 72 यानी कि 472 हो चुके हैं आपका टोटल डेट, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है सवाल में 5664, तो मैं कह सकता हूँ कि 5664 जो वैल्यू है वो 472 की वैल्यू, और आपको प्रत्येक एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 3 भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 4, 8 32, ठीक है। और 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, ठीक। और कितने से काटेंगे ये आप डायरेक्ट, अगर इसमें देखिए 8 और 9 और 1 10, 2 से काट लीजिए पहले, 2 नहीं तो आप देखिए अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो लास्ट में मेरी 2 जीरो बचनी बचनी है, पूरा पूरा कटेगा तो लास्ट में 2 जीरो आएंगी, 1 में ही है, इसमें 12 दिख रहा है, मैं एक बार 12 से चेक करके देखता हूँ, 12 8 96 9, 12 एकम 12 9 21, 2 12 एकम 12 और 2 14 16, बिल्कुल ये 12 बार कट रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1200, ठीक। ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए आपको J1 गिवन है, दी एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए इन Y1 एंड Y2, ए का Y1 और Y2 में एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा इनका, 150 का आधा 75, ठीक है। अब कह रहा है G2 क्या है आपका, सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द बी सी एंड डी इन ईयर Y1 एंड Y2, बी सी डी का यानी कि इनका Y1 और Y2 दोनों में सम देखिए, इस इनका सम देखिए 90 और 30, 120 और 80, ये तो हो गया आपका 200, ठीक है 200 प्लस में इनका देखेंगे 120 और 80, 200 और 50, 250 इनका सम आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, G2 अपॉन में J1, तो ये आ गया आपका 450, ठीक है। तो G2 अपॉन में J1, ये तो है आपका J1 और ये है आपका J2, तो आपका बनेगा कितना 450 अपॉन में 75, इसको सॉल्व करिए जरा।
15 से काटिए, 15 पन्ना 75, 15 3 45 0 और 5 से कटेगा 6 बार, तो 6 आपका आंसर होगा ऑप्शन 6। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसको देखिए। इस टेबल के ऊपर पिछले किसी शिफ्ट में मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स एंड द मेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन सी। देखिए सी तो आपका ये रहा, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया था, और ये क्या है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी, इनकी परसेंटेज। तो मेरे को बताइए 24% ने इस 1000 में से बायोलॉजी ऑप्ट किया, तो कितने, यानी कि 240, 240 ने बायोलॉजी लिया है 1000 में से, 24% यानी कि 240 ने बायोलॉजी लिया है। और यहाँ मेल और फीमेल का रेशियो क्या बना आपको, 1:2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3 की वैल्यू 240 है, 80 गुना। ठीक है, और आपसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी 80 ही आएगी। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, हाउ फार विल द टिप ऑफ ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव इन 45 मिनट। आप मुझे बताइए, अगर मैं देखिए अगर मैं एक घड़ी बनाता हूं, ठीक है, घड़ी को मैं सबसे पहले अगर मैं मानता हूं कि मेरी जो आवर मिनट एंड थी, मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड थी कोई सी की बात करें, अगर मान लेते हैं यहां थी कंप्लीट, अब कह रहा है 45 मिनट में, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 45 मिनट तो यहां हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल घटा दीजिए टोटल 360 में से, इसका मतलब उसने कवर कितना किया है 270 डिग्री। ठीक है, और ये रेडियस है इस सर्कल की, तो ये गिवन है मेरे को 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आपको कह रहा है हाउ फार विल, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी कवर करी है, तो मेरे को थीटा है 270/360 × 2πr, 2π × r की वैल्यू 2 है, तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना बन जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 3 27, 9 4 36 और 2 2 4 से 4 कट जाएगा, 3π आपका आंसर बच जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सुनील परचेज्ड ए फैन एट 10% डिस्काउंट ऑन दी लेवल्ड प्राइस। मान लेते हैं उसका लेवल्ड प्राइस जो MRP था वो 100 था, उसने 10% के डिस्काउंट पर, यानी कि कोई वो खरीदा क्या फैन, तो यानी कि 90 में खरीदा है, कह रहा है अगर इफ ही हैड परचेज इट एट द डिस्काउंट ऑफ 15%, अगर वो 15% के डिस्काउंट पर खरीदता तो मुझे एक चीज बताइए तब वो कितने में खरीदता, भाई यहाँ 10 का डिस्काउंट लिया है, यहाँ 15 का डिस्काउंट लेता तब वो खरीदता 85 में। ठीक है, अब कह रहा है कि ही वुड सेव है, ही वुड हैव सेव्ड 400 रुपये। आप मुझे बताइए हमारे हिसाब से वो कितने सेव कर रहा है, भाई पहले 90 देता अब 85 दे रहा है, यानी 5 सेव कर रहा है, बट सवाल के हिसाब से तो कह रहा है कि वो 400 सेव कर रहा है, यानी कि 80 गुना। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द लेवल्ड प्राइस ऑफ ए फैन, तो फैन का लेवल्ड प्राइस बता दीजिए, लेवल्ड प्राइस यानी कि MRP, तो ये भी हो जाएगा आपका 80 गुना, यानी कि 8000। ये मेरा आंसर है ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और देखिए देखने से क्या, आप लाइक का बटन दबा देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।